प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मैन सोल्यूशन 8 नंबर की, अलजेब्रा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमितीय आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के, संख्यांकी आपके 10 नंबर की, ज्योमेट्री आपके 12 नंबर की यूनिट बाय यूनिट करा रहे हैं, समझा रहे हैं। हम आपको 10th क्लास का टोटल सिलेबस करा देंगे, आराम से घर बैठे बैठे अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें और समझते रहें। देखिए क्वेश्चन क्या, जरा ध्यान दें। वृत्त में लघु चाप 125 डिग्री है तो दीर्घ चाप ज्ञात करो। देखिए आपको सामने डायग्राम देखा है, आंसर या सोल्यूशन में देखिए पी क्यू बराबर 125 डिग्री, दीर्घ चाप क्या दे रखी है आपकी। जब आप 360 में से 125 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 235 डिग्री बचेगा। इसको आप जब रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 180 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 235 बटे 180 गुणा पाई गुणा पाई। ये आपका रेडियन में आया, याद रखना रेडियन में पाई का मान रेडियन में 180 होता है, याद रखना पाई का मान रेडियन में 180 होता है। आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए और भी इम्पोर्टेंट प्राप्त होता रहे।